गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। रोज की तरह आज फिर लेट उठना, कोई काम नहीं रहता था, क्या करूं। तो भी आज फिर लेट उठे थे और मैं उठते ही नहा के आ गई, सोची फिर बाद में काम कर लूँगी, इसलिए अभी तो नहा के आई थी। और चाय वगैरह पी के फिर झाड़ू पोछा करके फिर सिलेंडर लगाना, उसके बाद खाना वगैरह ये सब काम पोछा का काम मैं अपना पूरा कर चुकी। बाहर का मतलब सीढ़ियों का, पोच का, रूम का, किचन का भी हो गया। अभी मुझे रोटियां बनानी है तो पहले भी गैस वगैरह ये सब धोऊंगी और उसके बाद रोटी बनाने से पहले मुझे पिको करना है। तो वैसे तो लाइट नहीं जाती है पर फिर भी वो फिर चंदर के वो धागे धागे निकल रहे हैं, पहले उसको पिको करके फिर उसको बचाऊंगी क्योंकि विक्की अभी आके सोएगा। बारिश का मौसम हो रहा है फाइनली, ऐसा इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी तो बारिश आएगी थोड़ी सी ठंड हो जाएगी। वैसे इतनी गर्मी नहीं लगती क्योंकि छत पे है तो हवा आती है अच्छी खासी, पर मच्छर भी बहुत काटते हैं ना बाहर, हवा नहीं खा सकते। पिको मैंने कर लिया था और अभी बनाऊंगी खाना। बहुत मुश्किल से हुआ क्योंकि मशीन में तेल देना था, उस वजह से थोड़ा बहुत अटक रहा था, पर हो गया। कौन है तो हवा से गेट हो रहा है, मुझे लगता है बाहर की कोई है। खाना वाना बन चुका, कब का ही अब मैं वेट कर रही हूँ। विक्की भी सो रहा है, वो भी नहीं उठाता और अभी उसको कॉल किया, उसका फ़ोन साइलेंट है तो पता नहीं, उनकी भी वेट हो रही है। अभी कोई आए तो मैं भी खाना खाऊँ। दोनों बिजी हो रहे हैं, मतलब वो एक सो रहा है, वो मीटिंग में। हाँ मुझे भूख लग रही है पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये दोनों ने नहीं खाया अभी तक, वो भी बाहर है काम से तो उन्होंने भी नहीं खाया सुबह से और विक्की ने भी नहीं खाया, वो भी सो रहा है तो वो खाएंगे तभी खा। इतना वेट करने के बाद लंच होगा दो तीन दिन मस्त ऐसे नींद आई बहुत ज़्यादा कि जितना सो कम लग रहा था, मतलब घोड़े बेच के नहीं, घोड़े भैंस बकरियां सब बेच के सो रहे थे दो तीन दिन से क्योंकि बहुत टायर्ड थे। आज तो नींद भी नहीं आ रही है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। सोच रही हूँ रील्स बना लूं, फिर
अभी नहीं, क्योंकि अभी ये फेस पे पिंपल भी है। जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। माधव माधव क्या हुआ? इसके बाल सही करो, मुंह पे आ रहा है इसलिए भी गुस्सा होता है कुछ देर तक। क्या एकदम डू अच्छा लग रहा है क्या? ए क्या बात कर रहे हो आप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हो आप? घर पर बहुत सारा बोर होने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए पार्क आ गए और थोड़ा सा माधव के साथ खेला। वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा, बहुत स्वीट सा है। और वैसे भी कहीं बाहर जाने से बेटर है कि अब पार्क में जाओ। मैं नहीं खा रही। Let's walk walk. फुटस्टेप मैच होने चाहिए। इतने बड़े बड़े पैर मत रखो। ये टाइम है, इस टाइम तो सब ऑलमोस्ट चले गए। इसी टाइम में निकलते हैं लोग खाना वाना खा के। हम लोग गलत आ गए, वो यहीं था। उस जानबूझ के कर रहे ऐसा। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। यस पागलों की तरह कौन खाता है, कौन खाते हैं। मैंने भी ऐसे ही खाई है, हाथ पे गिर गई थी मेरे। मुझसे आजकल ब्लॉग अकेले से बन भी नहीं रहा। नीत नहीं करती मेरी बनाने की, वरना मेरे पास कंटेंट बहुत है। इसे एक कंटेंट की ज़रूरत नहीं है मुझे। कोई बात नहीं। अरे नहीं है, मतलब ये कंटेंट ज़्यादा बेस्ट है बाकी कंटेंट से, क्योंकि हर किसी को क्राफ्ट पसंद नहीं आता, हर किसी को मेकअप पसंद नहीं आता। हम तो सबको पसंद आते आते ना, सच में नहीं आते। सबको वेट रहता है, घर जाने का मन नहीं करता ना जब इतनी अच्छी हवा चलती है। और बस आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड नाइट। मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा शायद ये पिंपल ठीक हो रहा है शायद, क्योंकि आजकल कुछ दूसरा प्रोडक्ट ट्राई कर रही हूँ मैं फेस पे। गुड नाइट, बाय।